आइएगा फ्रेंड्स, मैं सुमेंद्र देशवाल आपका स्वागत करता हूं देशवाल अकेडमी में, जहां पर हम आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को। टॉपिक रहेगा आज का हमारा स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर्स एंड इट्स सेक्सुअल पार्ट्स, और हम MCQ बेस्ड क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। यहाँ पर बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर क्या इंडिकेट करता है, साइंस ऑफ कल्टीवेशन ब्रीडिंग मार्केटिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड। तो बेटा ए ऑप्शन दे दिया गया है यहाँ पर एरबोरिकल्चर, बी ऑप्शन दे दिया गया है फ्लोरिकल्चर, सी ऑप्शन दिया गया है बेटा यहाँ पर हॉर्टिकल्चर, डी ऑप्शन दिया गया है एंथोलॉजी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी। उसको हम कैसे करेक्ट मानते हैं, क्योंकि बेटा जो डी ऑप्शन है वो इंडिकेट करता है एंथोलॉजी स्टडी ऑफ एंथर एंड एंथर पार्ट्स ऑल्सो, एंड हॉर्टिकल्चर इंडिकेट करता है बेटा टिश्यू कल्चर को, और बेटा एरबोरिकल्चर जो होता है वो स्टडी ऑफ कल्टीवेशन कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होता है, बी फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट हैं वो मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आया हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इन्हें एक्सप्लेनेशन के द्वारा आपको समझा दूंगा। आइएगा समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। नॉन इसेंशियल फ्लोर ऑर्गन्स इन अ फ्लावर्स आर, तो बेटा फर्स्ट है सेपल्स एंड पेटल्स, बेटा बी एंथर एंड ओबरी। बेटा एंथर एंड ओबरी जो होते हैं वो बहुत इसेंशियल पार्ट होते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन्स और आपका एक्सेल यहाँ प्रोड्यूस होती है, स्टिग्मा एंड फ्लामेंट्स, और बेटा डी दे रखा है यहाँ पर पेटल्स ओनली। तो बेटा करेक्ट आंसर जो होता है वो होता है आपका सेपल्स एंड पेटल्स। सेपल्स और पेटल्स जो होते हैं उनका कन्वर्जन किसी अदर पार्ट्स में फ्रूट्स के या अदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कन्वर्जन नहीं होता है, इसे हम नॉन इसेंशियल पार्ट्स में इंडिकेट करते हैं। आंसर हमारा हो गया ए। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा, और स्ट्रक्चर्स जो आपके मेल और फीमेल गैमेट्स की है उससे ये रिलेटेड होता है। द स्टेम रिप्रेजेंट्स, स्टेमेंस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया को, बी ऑप्शन दे रखा है मेल गैमेटोफाइट को, सी ऑप्शन दे रखा है मेल गैमिट्स को, और बेटा डी ऑप्शन दे रखा है माइक्रोस्पोरोफिल, यानी बेटा इसका डी ऑप्शन सही है माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल को जो स्टैमिन्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। इसमें दिया गया है एंथर इज जर्नली, ए है मोनोस्पोरेंजिएट, बी है बाईस्पोरेंजिएट, सी है टेट्रास्पोरेंजिएट, और बेटा डी है आपका ट्राईस्पोरेंजिएट। तो बेटा यहाँ पर अगर आप एंथर को देखते हैं, इस तरीके से आप एंथर को ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर जो एंथर में होते हैं वो 4 कॉलम्स होते हैं, यानी 4 पार्ट्स यहाँ पर एंथर में इंडिकेट किए जाते हैं। अब एक जो आपका एंथर लोब है, क्योंकि एंथर में वाई लोब स्ट्रक्चर्स होती है, और ईच लोब हैज अ 2 थीका, और ईच थीका हैज अ 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल या स्पोरेंजिया। तो बेटा यहाँ पर जो होती है इसमें भी एक स्पोरेंजिया है, इसमें भी एक स्पोरेंजिया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो टोटल मिला के हमारी कितनी स्पोरेंजिया होगी, स्पोरेंजिया हो गई बेटा 4 हो गई, और 4 को बोलते हैं हम टेट्रा। तो बेटा एंथर जो होता है वो टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। आंसर सी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या इंडिकेट करता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 को हम यहां देखते हैं। द एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल लेयर्स, वेयर ए ऑप्शन दे रखा है यहां पर टैपिटम लाई जस्ट इनर टू द एंडोथीसियम। बेटा टैपिटम जो होता है एंडोथीसियम के जस्ट इनर साइड होती है, ऐसा नहीं होता है बेटा। आपने स्ट्रक्चर्स ऑफ एंथर को देखा होगा, वहां पर आपने देखा होगा कि टैपिटम जो होता है वो एंडोथीसियम के बीच में एक मिडिल लेयर होती है, तो बेटा ये तो सही नहीं है।
इसके बाद बेटा नेक्स्ट आते हैं, मिडिल लेयर लाई बिटवीन एंडोथीसियम एंड एपिटम। यस करेक्ट, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन में क्या दिया गया, एंडोथीसियम लाई इनर टू द मिडिल लेयर, यानी मिडिल लेयर के इनर साइड में एंडोथीसियम होती है, ये नहीं हो सकता है बेटा। टैपिटम लाई नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस, नो। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, बी। आइएगा नेक्स्ट, नंबर सिक्स क्या यहां पर इंडिकेट करता है उस चीज को देखते हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर इज टैपिटम, हुज फंक्शन इज, द इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो एंथर की टैपिटम होती है, उसका फंक्शन होता है। ए दिया गया है डिहिशन, सी ऑप्शन दिया गया है न्यूट्रिशन, डी ऑप्शन दिया गया है बेटा आपका प्रोटेक्शन। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन इज सी, न्यूट्रिशन। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या डिस्कस करता है बेटा, कैलियस एंजाइम्स विच डिजोल्व कैलियोस ऑफ पोलन टेट्राड्स टू सेपरेट फोर पोलन्स इज प्रोवाइडेड बाई, ए ऑप्शन है पोलन्स, बी ऑप्शन है टैपिटम, सी ऑप्शन है मिडिल लेयर, और बेटा डी ऑप्शन है एंडोथीसियम। तो बेटा करेक्ट आंसर इज टैपिटम। बेटा जो कैलियस एंजाइम्स होता है वो एंथर की इस टाइप के स्ट्रक्चर्स में जो होता है, जो बीच में आपके ये स्ट्रक्चर्स होती है, इसको बेटा हम कैलियस बोलते हैं, कैलियोस। कैलियोस जो पोलन ग्रेन्स का कंडीशंस होती है वो किसके द्वारा होती है, टैपिटम के द्वारा होती है। नेक्स्ट पार्ट इंडिकेट करता है, इन एंजियोस्पर्म वेरियस स्टेज ऑफ रिडक्शनल डिवीजन कैन बेस्ट बी स्टडीड इन, बेटा ए ऑप्शन दिया है यंग एंथर, बी ऑप्शन है मैच्योर एंथर, सी ऑप्शन है यंग ओव्यूल, और बेटा डी ऑप्शन है आपका एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म बेटा जो डिवीजन होता है वहां पर लास्ट में आपका कौन सा रिडक्शन डिवीजन नहीं देखने को मिलता है, बट यहां पर जो होता है यंग ओव्यूल जो बनेगा बेटा वहां पर अदर होता है, कंडीशन होती है। मैच्योर एंथर में वो डिवीजन हो चुका होता है, इसलिए बेटा करेक्ट आंसर इज यंग एंथर। यंग एंथर का मीन्स होता है बेटा जो आपका पोलन मदर सेल होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। माइक्रोस्पोरेंजियम जो होती है बेटा वो आपकी 2n डिप्लॉयड होती है, और उससे जो है आपके हैप्लॉयड 4 पोलन ग्रेन्स बनते हैं, 4 पोलन ग्रेन्स बनते हैं। इसलिए बेटा यहां पर जो हम स्टडी कर सकते हैं रिडक्शनल डिविजन्स के 2n से n में आने के लिए, वो किस में कर सकते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम्स में। आंसर इज यंग एंथर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या यहां पर इंडिकेट करता है। क्वेश्चन 9 इंडिकेट करता है स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड माइक्रोलॉजी, सेकेंड होता है एंथोलॉजी, सी होता है प्लेनोलॉजी, और डी होता है पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी जो स्टडी होती है वो बेटा फ्रूट्स की होती है स्टडी जो होती है। फिर बेटा प्लेनोलॉजी इज द करेक्ट आंसर, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स। एंथोलॉजी एंथर की होती है, और बेटा माइक्रोलॉजी जो होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की होती है। इसलिए बेटा करेक्ट आंसर हमारा प्लेनोलॉजी होता है। नेक्स्ट जो सीरीज बेटा मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये 30 क्वेश्चंस की सीरीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के व्यू से। क्वेश्चन नंबर टेन क्या यहां इंडिकेट करता है, सेवरल पोलन ग्रेन्स फ्रॉम ए यूनिट इज डेजिग्नेटेड एज अ पोलिनियम इन अ फैमिली, एस्ट्रेशी, ए बी दिया कुकरबिटेसी, सी दिया गया एस्क्लेपेडिएसी पोलन, और बेटा डी दिया गया ब्रैसिकेसी। तो करेक्ट आंसर इज एस्क्लेपेडिएसी पोलन। क्वेश्चन नंबर इलेवन यहां इंडिकेट करता है ट्रिपल फ्यूजन इन सिप्सेला ब्रूसा प्रोस्टेरिस इज फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट विद ए एग सेल, बी सिनर्जिड सेल, सी सेकेंडरी न्यूक्लियाई, डी एंटीपोडल। तो बेटा एंटीपोडल सेल से कोई फ्यूजन नहीं होता है, ये डीजनरेट हो जाती हैं। एग सेल से जो होता है वो आपका ट्रू फर्टिलाइजेशन में इंक्लूड होता है, सिनर्जिड सेल आपका
पोलन ट्यूब्स की एंट्री को गाइड करती हैं, किसमें? ओब्यूल में। तो बेटा आपका आंसर क्या होगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या यहां पर इंडिकेट करता है बेटा? डबल फर्टिलाइजेशन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1898 बाय द लिलियम एंड ए ऑप्शन बेटा नवाशीन, बी ऑप्शन स्ट्रासबर्गर, सी ऑप्शन माइकी एंड डी ऑप्शन फॉकी। तो बेटा करेक्ट आंसर इज नवाशीन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा, कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे इफ एन एंडोस्पर्म सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म कंटेन 24 क्रोमोजोम्स, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन ईच सेल ऑफ रूट विल बी, यानी रूट की सेल में क्या होंगे? बेटा यहां पर इसने इंडिकेट कर दिया है कि एंडोस्पर्म जो है, एंडोस्पर्म जो होती है सेल, उसमें आपके कितने हैं? 24। तो बेटा नेचर ऑफ एंडोस्पर्म सेल का होता है आपका ट्रिप्लॉयड, 3N। क्या होता है? 3N होता है। तो यहां पर इसने पूछा कि रूट सेल में क्या होता है, रूट सेल में क्या होगा? सेल्स में, रूट सेल्स में कितने पोलन ग्रेन्स होंगे? तो बेटा रूट सेल का नेचर होता है डिप्लॉयड। तो आप यहां देख सकते हैं बेटा 3N is equal to 24 equal to N is equal to 24 upon 3, तो बेटा आ जाता है आपका 8, यानी हैप्लॉयड नंबर N बराबर 8, हैप्लॉयड नंबर 8 है, तो डिप्लॉयड नंबर क्या होगा बेटा? 8 into 2 is equal to 16, is equal to 16। तो बेटा यहां पर 4 8 नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन बी 4 भी नहीं हो सकता है और डी 24 भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा आपका? सी, दैट इज अ करेक्ट आंसर। आइएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या इंडिकेट करता है बेटा? यहां पर हम वो चीज देखते हैं, यहां पर इंडिकेट कर रहा है बेटा द सेल ऑफ एंडोस्पर्म हैव 24 क्रोमोजोम्स, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन गैमिट्स, यानी गैमिट्स में क्या नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होंगे? तो यहां पर बेटा इंडिकेट इन्होंने यहां पर कर दिया कि एंडोस्पर्म 3N होते हैं, 24 क्रोमोजोम्स नंबर है। उन्होंने कहा गैमिट्स में कितने होंगे, गैमिट्स क्रोमोजोम्स नंबर क्या होंगे? तो बेटा इतना ध्यान रखना होता है गैमिट्स ऑलवेज इज हैप्लॉयड इन नंबर्स। तो बेटा आपका 3N जो नंबर्स हैं वो किसके हैं? एंडोस्पर्म के हैं। तो N नंबर कितने होंगे? 24 अपॉन 3 इक्वल टू 8। तो बेटा हैप्लॉयड नंबर 8 होंगे आपके किस में बेटा? गैमिट्स में। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 32। तो बेटा करेक्ट आंसर इज ए 8। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा? यहां पर देखते हैं ट्रू एम्ब्रियो डेवलप्स एज अ रिजल्ट टू फ्यूजन ऑफ, यानी बेटा ट्रू एम्ब्रियो डेवलप्स होता है किसके रिजल्ट से होता है? ए दिया गया बेटा यहां पर टू पोलर न्यूक्लियाई ऑफ एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के दो पोलर न्यूक्लियाई से बेटा नहीं हो सकता है। बी एग सेल एंड मेल गैमेट्स, सी को देखते हैं बेटा सिनर्जिड सेल एंड मेल गैमिट्स, बेटा सिनर्जिड सेल के साथ फ्यूजन नहीं होता है। डी मेल गैमिट्स एंड एंटीपोडल सेल, ये भी बेटा रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा बेटा? बी एग सेल और बेटा मेल गैमिट्स, यानी पोलन ग्रेन्स का जो न्यूक्लियस होता है, दो न्यूक्लियस होते हैं आपके वहां पर, उसमें से जो एग सेल से एक मेल गैमिट्स फ्यूज होगा उसके द्वारा जो है वो ट्रू एम्ब्रियो बनता है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करने से पहले बेटा जो हम आपके साथ यहां पर ये सीरीज आपके 30 क्वेश्चंस की डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके एग्जाम के पर्पस से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिशन के जो एग्जाम्स होते हैं, उनके पर्पस से भी ये बहुत अच्छे, जैसे नीट वगैरह जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इंडिकेट करता है फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रोलॉजी इज, पी महेश्वरी, बी स्वामीनाथन, सी आर मिश्रा, डी बटलर।
तो मतलब बटलर जो होते हैं वो फादर ऑफ माइकोलॉजी, आर मिश्रा जो होते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी, एम एस स्वामीनाथन रिलेटेड होते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, और बेटा आंसर होता है आपका पी पंचानंद महेश्वरी। आइएगा नेक्स्ट 17, यहां पर क्या इंडिकेट करता है, हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द 1000 माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर इसने कहा कि हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल रिक्वायर्ड, यानी 1000 पोलन ग्रेन्स के बेटा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1000 माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स। तो बेटा आपको पता होता है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल मदर सेल्स प्रोड्यूस करती है 4 पोलन पोलन ग्रेन्स को। तो बेटा यहां पर इन्होंने कहा कि पोलन ग्रेन्स का नंबर जो है वो 1000 है, और आपसे पूछ लिया है 1000 पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने में हाउ मैनी एमएमसी इज रिक्वायर्ड। तो बेटा 1 प्रोड्यूस करती है 4 को, तो 1000 को कितनी करेंगे, तो बेटा यहां सिंपल सा आपको होगा 1000 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 250, तो 250 एमएमसी इज रिक्वायर्ड फॉर द 1000 माइक्रो स्पोर्स प्रोडक्शन। ए ऑप्शन यहां पर दिया गया बेटा 100, बी ऑप्शन दिया गया 150, सी ऑप्शन दिया गया 200, और डी ऑप्शन दिया गया बेटा यहां पर 250। तो करेक्ट आंसर इज 250। कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 यहां पर क्या इंडिकेट करता है, क्वेश्चन नंबर इंडिकेट करता है बेटा यहां पर 18 जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म, कौन सा फीमेल गैमेटोफाइट को एंजियोस्पर्म में रिप्रेजेंट करता है। ए ऑप्शन है एम्ब्रियो, बी ऑप्शन होता है बेटा एम्ब्रियो सैक, सी ऑप्शन होता है सिनर्जिड सेल, और बेटा डी ऑप्शन होता है आपका एंडोस्पर्म। तो बेटा यहां पर सीधे आपसे पूछ लिया गया है कि गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है। तो बेटा एम्ब्रियो तो होता नहीं है, इसके बाद सिनर्जिड सेल बिल्कुल नहीं होगी, एंडोस्पर्म बाद में बनता है, तो एम्ब्रियो सैक यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जो है बेटा वो यहां पर क्या इंडिकेट करती है, द नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द 400 सीड इन पी प्लांट्स इज। बेटा एक अच्छा क्वेश्चन आ चुका है यहां पर कि 400 सीड जो हैं प्रोड्यूस करने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन की आवश्यकता होगी। Is required, यानी कितने म्यूटिक डिवीजन की रिक्वायरमेंट्स होगी। तो बेटा हमें यह पता होता है कि एक म्यूटिक डिवीजन से मेल में कितने प्रोड्यूस होते हैं 4 पोलन ग्रेन्स, 4 पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो बेटा एक डिवीजन से जब 4 हो रहे हैं तो बेटा लगभग हम 400 को हमें यहां पर काउंट करना है, तो किस तरीके से इसको काउंट करेंगे बेटा, 100 जो होंगे वो डिवीजन अकर होंगे किसको, 100
डिवीजन प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड 400 पोलन ग्रेन्स, बट कितने बेटा यहां पर 100, बट फीमेल फीमेल गैमिट गैमिट फॉर्मेशन ओनली वन डिवीजन फॉर्म्ड वन पोलन ग्रेन वन फीमेल गैमिट फॉर्म्ड वन गैमेट। तो बेटा यहां पर 400 डिवीजन डिवीजन प्रोड्यूस्ड 400 डिवीजन प्रोड्यूस्ड 400 गैमेट्स। सो 400 प्लस 100 इक्वल टू 500 डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ 400 सीड। यानी 400 सीड को अगर प्रोड्यूस करना है तो हमें जो है 100 डिवीजन तो मेल गैमिट्स में देखने पड़ेंगे और बेटा 400 डिवीजन देखने पड़ेंगे किस में, फीमेल्स गैमिट के लिए, और दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 500। तो यहां पर ऑप्शन दिया गया है ए 100, बी 200, सी 400 और बेटा डी दिया गया 500। तो करेक्ट आंसर इज 500। कम ऑन नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले बेटा जहां तक संभव हो सकता है मैं इन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं, और कहीं पर अगर आपको कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या इंडिकेट करता है, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइम में मियोसिस अकर होता है किसमें बेटा, एंडोथीसियम में। बी ऑप्शन दिया गया है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में, सी ऑप्शन दिया गया है माइक्रोस्पोर टेट्राड में, और बेटा डी ऑप्शन दिया गया है पोलन ग्रेन्स में। तो बेटा यहां पर ये जो स्ट्रक्चर्स होती है यहां डिवीजन तो एराइज होता नहीं है, तो ए ऑप्शन होगा नहीं। माइक्रोस्पोर टेट्राड बन चुके हैं तो डिवीजन के बाद बनते हैं, पोलन ग्रेन्स ऑलरेडी डिवीजन के बाद बनेंगे, तो बेटा 2n कौन सी स्ट्रक्चर्स होती है, डिप्लोइड कौन सी स्ट्रक्चर्स होती है, पोलन मदर सेल, यानी कि एम एम सी। करेक्ट आंसर इज बी। कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 20। क्वेश्चन नंबर 21 को हम यहां पर देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है, फ्रॉम अमंग द सेट ऑफ टर्म गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट आर एसोसिएटेड विद द गाइनोसियम। यानी गाइनोसियम से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स को हमें यहां पर देखना है बेटा। इसमें ए ऑप्शन दिया गया है स्टिग्मा ओब्यूल एम्ब्रियो सैक प्लेसेंटा, इसके बाद बेटा बी ऑप्शन हमें दिया गया है थैलेमस पिस्टिल स्टाइल ओब्यूल, बेटा सी ऑप्शन दिया गया है ओब्यूल ओबरी एम्ब्रियो सैक टैपिटम। तो बेटा ये टैपिटम वाला तो यहां क्लियर हो चुका है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि मेल का पार्ट हो जाता है यहां पर ओब्यूल, स्टैमिन भी मेल का पार्ट होता है, बेटा डी भी नहीं हो सकता है। अब हमारा जो मेन रह चुका है वो किस में है, आपका ए और बी में है, स्टिग्मा ओब्यूल एम्ब्रियो सैक प्लेसेंटा, और बेटा नेक्स्ट होता है थैलेमस पिस्टिल स्टाइल ओब्यूल। बेटा ये थैलेमस जो है ये ऑप्शन आपका जो है पार्ट जो है वो फीमेल का वहां पर इंक्लूड नहीं होगा, तो स्टिग्मा ओब्यूल एम्ब्रियो सैक प्लेसेंटा करेक्ट आंसर इज ए। यस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, पोलन ग्रेन्स इज अ ए ऑप्शन मेगास्पोर, बी ऑप्शन माइक्रोस्पोर, सी ऑप्शन मैक्रोस्पोरेंजियम, और बेटा डी ऑप्शन माइक्रोस्पोरेंजियम। तो बेटा पोलन ग्रेन्स आर माइक्रोस्पोर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट नंबर 23rd क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा यहां पर, हाउ मैनी पोलन मदर सेल्स शुड अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 64 पोलन ग्रेन्स। बेटा पोलन मदर सेल कितनी जाती हैं, 64 पोलन मदर
पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो बेटा 1 mmc प्रोड्यूस 4 पोलन, तो 64 पोलन ग्रेन्स कितनी मदर सेल से प्रोड्यूस होंगे? तो बेटा एक तो चार को करती है, तो यहां पर कितनी मदर सेल्स होंगी? यहां पर होंगी बेटा 64 अपॉन 4 इक्वल टू 1 और बेटा 6, यानी 16 मदर सेल यहां पर रिक्वायरमेंट होगी। तो बेटा यहां ऑप्शन दिया गया 64 32 16 8, करेक्ट आंसर इज सी। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन होते हैं जिन्हें देखते के साथ समझ में आता है। अगर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल यहां पर 4 पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करती है तो बेटा 16 पोलन ग्रेन्स को कितने मदर सेल प्रोड्यूस करेंगे? तो 64 अपॉन 4 इक्वल टू 16, तो 16 एमएमसी प्रोड्यूस द 64 पोलन ग्रेन्स, यानी यहां पर जो 64 पोलन ग्रेन्स है वो किसके द्वारा किए गए? ऑप्शन सी के द्वारा। नेक्स्ट 24 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 यहां पर क्या इंडिकेट करता है? वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल प्रेजेंट इन द एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स की जो एक्साइन होती है उसमें बेटा ए ऑप्शन दिया गया है यहां पर, यानी हमसे पूछा क्या, मोस्ट रेसिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल। ए ऑप्शन दिया गया बेटा पैक्टोसेल्युलोज, बी ऑप्शन दिया गया स्पोरोपोलोनिन, सी ऑप्शन दिया गया सुवेरिन और डी ऑप्शन दिया गया बेटा सेल्युलोज। तो बेटा करेक्ट आंसर इज स्पोरोपोलोनिन। स्पोरोपोलोनिन इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ अ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 यहां पर इंडिकेट करता है बेटा व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ जर्म पोर, यानी बेटा पोलन ग्रेन्स में जो होता है वो एक, यहां पर एक पोलन ग्रेन्स कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है और जो आउटर लेयर होती है वो एक प्लेस से आपकी थोड़ी सी अब्सेंट होती है और जो आपकी इनर लेयर होती है वो कंटिन्यूअस होती है। इसमें क्या देखा जाता है बेटा, इस पॉइंट पर आपका एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म फिल होगा यहाँ पर। तो बेटा ये तो होती है आपकी जनरेटिव सेल और ये होती है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। तो बेटा जहां पर अब्सेंट होती है स्पोरोपोलोनिन तो उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं जर्म पोर। तो बेटा जर्म पोर का फंक्शंस क्या होगा? यहां से पोलन ट्यूब एराइज होगी, यहां से पोलन ट्यूब जो होती है वो एराइज होती है, पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या कह रहा है बेटा यहां पर, इमर्ज ऑफ रेडिकल्स रूट नहीं होती है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन के वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब। तो बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को तो हम यहां नहीं इंडिकेट करेंगे, फिर बेटा ऑल ऑफ दीज। तो बेटा करेक्ट आंसर इज इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब, यानी पोलन जर्मिनेशन जो होता है वो आपका जर्म पोर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या यहां पर इंडिकेट करता है बेटा, ऑफ द पोलन ग्रेन्स डिवाइड टू फॉर्म टू मेल गैमेट्स, यानी पोलन ग्रेन्स में डिवाइड होके दो मेल गैमेट्स कौन सी सेल बनाती है? तो बेटा ए दिया गया है वेजिटेटिव सेल, बी दिया गया है जनरेटिव सेल, सी दिया गया है माइक्रोस्पोर मदर सेल। बनाएगी नहीं बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल तो पोलन ग्रेन्स को बनाती है, और नॉन ऑफ दीज, तो नॉन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता है, यहां पर दो सेल होती है बेटा। अगर आपने पोलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर्स को अगर रीड किया है तो वहां पर आपने देखा होगा आउटर लेयर जो होती है वो कुछ स्पाइनी भी हो सकती है और बेटा कुछ प्लांट्स में स्मूथ भी होती है, बट यहां पर देखा क्या जाता है बेटा, यहां पर दो न्यूक्लियस होते हैं, थ्री सेल स्टेज, ये बड़ी सेल होती है, यहां पर टू सेल्स होती हैं जो आपकी जनरेटिव सेल्स होती है वो डिवाइड होकर टू न्यूक्लियस यानी थ्री सेल स्टेज, थ्री सेल स्टेज फॉर्म हो जाती है। तो यहां पर इसने कहा बेटा कि पोलन ग्रेन्स डिवाइड टू फॉर्म द टू मेल गैमेट्स, वन टू,
दो मेल गैमेट्स बनाती है, कौन सी सेल बनाएगी बेटा? जनरेटिव सेल। आंसर क्या होगा हमारा? जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का फंक्शन होता है केवल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, तो ये नहीं हो सकता है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है यहां पर? द थ्री सेल फाउंड इन अ पोलन ग्रेन्स वेयर इट इज सेट सेड एट थ्री सेल स्टेज। तो बेटा इसमें क्या होता है? ए ऑप्शन दिया गया है, वन वेजिटेटिव सेल, हाँ होती है वेजिटेटिव सेल, वन जनरेटिव सेल, वन मेल गैमेट्स। बेटा रॉन्ग हो चुका है, मैंने अभी आपको बताया है प्रीवियस क्वेश्चंस में कि वहां पर जो जनरेटिव सेल्स होते हैं उसके दो न्यूक्लियाई होते हैं। तो यहां पर बी ऑप्शन दिया गया, वन वेजिटेटिव सेल्स टू मेल गैमेट्स। सी ऑप्शन दिया गया बेटा, वन जनरेटिव सेल टू मेल गैमेट्स। डी ऑप्शन दिया गया बेटा, ए और बी, ये नहीं हो सकता है बेटा, ए और बी नहीं होगा। यहां पर बेटा दो मेल गैमेट्स और एक जनरेटिव, ये भी नहीं होगा। यहां पर बेटा ऑप्शन बी होगा, वन वेजिटेटिव सेल्स और टू मेल गैमेट्स। क्यों? क्योंकि बेटा थ्री सेल स्टेज जो होती है पोलन ग्रेन्स की, थ्री सेल्स स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स फाउंड इन एंजियोस्पर्म ओनली 40%, यानी 40% ही पाई जाती है, 60% टू सेल स्टेज होती है। इसलिए बेटा यहां पर एक वेजिटेटिव सेल्स होती है, दो मेल गैमेट्स होते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है यहां पर? मेगा स्पोरेंजियम अलोंग विद इट्स प्रोटेक्टिव इंटेगुमेंट्स इज कॉल्ड ओवरी, ओब्यूल, फ्यूनिकल, चलेजल एंड। बेटा ये तो तीनों पार्ट्स जो हैं, दो पार्ट्स जो हैं वो आपके नहीं हो सकते, क्योंकि ये ओब्यूल्स के पार्ट होते हैं। और वो कह रहा है कि प्रोटेक्टिंग इंटेगुमेंट इज कॉल्ड, यानी प्रोटेक्टिंग इंटेगुमेंट क्या कहलाती है और किसकी? मेगा स्पोरेंजियम्स की। तो बेटा आंसर होगा बी, ओब्यूल को हम मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं, इसीलिए बेटा ये ओब्यूल होगा, ओवरी नहीं होगी। आइएगा नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन को हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ, 29 को। मैच्योर ओब्यूल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूनिकल्स इफ माइक्रोपाइल कम्स टू लाई क्लोज टू द फ्यूनिकल्स द ओब्यूल इज टर्म एज। तो बेटा हमारे सिलेबस में हमने दो चीजें पढ़ी थी, ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस और बेटा कंपाइलोट्रोपस जो होता है ये भी हमारे टाइप के ओब्यूल्स होते हैं, बट आंसर क्या होगा यहाँ पर? एनाट्रोपस। एनाट्रोपस ओब्यूल्स की ये कंडीशंस होती है कि जहां पर आपका फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल्स जो होते हैं कम्स क्लोज टू ईच अदर आ जाते हैं। नेक्स्ट आइएगा बेटा 30 नंबर का क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, लास्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें हमने आपके साथ यहां पर डिस्कस किए हैं, कितने 30 क्वेश्चंस किए हैं। आइएगा इसको भी देखते हैं। द पार्ट ऑफ गाइनोसियम दैट डिटरमाइंस द टेबल नेचर्स ऑफ पोलन्स इज। तो बेटा ए है स्टिग्मा, बी है स्टाइल, सी है ओवरी और बेटा डी है सिनर्जिक सेल। तो सिनर्जिक सेल कभी भी बेटा कंपेटेबल का कोई वो नहीं रखते हैं, ओवरी भी इनर साइड होती है, नीचे होती है और बेटा स्टाइल ये पोर्शन नहीं, बट स्टिग्मा इज प्ले द रोल इन द कंपेटेबल नेचर्स, यानी बेटा जो पोलन ग्रेन्स आपके सेम स्पीसीज के होते हैं उसी को ये एक्सेप्ट करके पोलन ट्यूब को जर्मिनेशन करने देता है। अदरवाइज जो अदर प्लांट्स के हो जाते हैं या अदर स्पीसीज के हो जाते हैं उसको ये डिफ्यूज कर देता है, इसी को बेटा बोलते हैं हम कंपेटेबल नेचर। आंसर इज ए। बेटा ये मैंने आपके सामने जो है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से जो मैंने 1 to 30 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप रीड कीजिएगा। अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।